तो बच्चों अगला सवाल है डीपीपी नंबर। हम लोग सीक्वेंस सीरीज के डीपीपी कर रहे हैं, कुछ एक सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 to 1000 दैट आर डिविजिबल बाई। बोला है क्या, फाइंड नंबर्स नंबर इंटीजर बिटवीन 100 से 1000 के बीच में नंबर्स जो किससे डिविजिबल हो, तो डिविजिबल बाई 7 हो, या वो नंबर्स जो 7 से डिविजिबल ना हो। तो इनके बारे में बात किया हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे अभी इसी सवाल के ऊपर कि जो भाई जब ऐसे सवाल पूछे ना तो सबसे पहले और बड़ा आसान सा काम होता है कि देखो आपको 100 के आगे से शुरू करना है, मतलब 101 से शुरू करना है, 102, 103, इसमें से आप पकड़ लो वो नंबर जो सबसे पहली नंबर वो पकड़ लो जो 7 से डिवाइड होती है। सबसे पहली नंबर वो पकड़ लो जो 7 से डिवाइड होती है, जैसे ये 106 ये ऐसे जाएगा आगे, तो पहली नंबर ये आ गई जो 7 से डिविजिबल है। पहला सवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, किससे, कौन सा सवाल, कि डिविजिबल बाई आपका है डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर हमने सीरीज पकड़ लिया 105, अब अगला इसमें 7 जोड़ते जाओ, जैसे ही 112 अगर मैं कहूँ तो 112 अगला नंबर, फिर 7 जोड़ दो 119, ऐसे ही आखिरी टर्म तक जाएंगे। अब ये यही 100 से लेके 1000 के बीच, 1000 के बीच की बोला हुआ है, तो आखिरी टर्म 999 होगा, उससे और कुछ कम। अब इसमें से वो टर्म्स ढूंढो, उसके पीछे के वो टर्म ढूंढो जो 7 से डिविजिबल होता है। तो तरीका ये होता है कि आप ये 999 को 7 से डिवाइड कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस कर देना। जैसे 7 से डिवाइड किया, पहली बार 1 बार चला गया 7 हो गया, फिर ये आपका 29, फिर 4 बार चला गया, फिर ये 28, फिर बचा 1, फिर यहाँ पे हो गया 9, फिर आपका ये चला गया आपका कितने बार, तो 2 बार यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, कितना 5। तो 999 में से 5 घटा दो, जो पिछली नंबर होगी जो आपका 7 से डिविजिबल होगी वो हो जाएगी 794। अब हमारे लिए ये किसी काम का नहीं है। अब यानी अब इस सवाल के लिए आपके सामने फर्स्ट टर्म हो गया, जो भी फार्मूला होता है उसके लिए फर्स्ट टर्म हो गया आपका 105, यानी ये वैल्यू हो गई ए का। लास्ट टर्म हो गया 994, जो कि एल बराबर हो गया 994। अब देखिए बच्चे लोग, फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी यहाँ से डी की वैल्यू देखा जाए, या ऐसे सिंपली करते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा बवाल नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं। एल के जगह पे लिखा है कितना 994, ए की वैल्यू है 105 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो जिससे डिविजिबल कहता है वही डी हो जाता है, यानी 7 हो गया, डी की वैल्यू 7 हो गया। यहाँ से फाइनली क्या आ गया यहाँ पे बच्चे लोग, तो ये आ गया आपका, देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू आ गई है 994 में से, अगर हम इसको घटा दें 994 माइनस 105 नीचे डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। ओवरऑल अगर हम इसको 994 में से एक ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ 889/7 इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ से एन की वैल्यू अगर आप निकालिए तो ये हो गया 127 बार ये कट के चला गया प्लस वन, यानी आंसर हो गया 128। देखिए ये देखिए ऊपर में लिखा भी है आंसर 128। अब पूछ रहा है कि नॉट डिविजिबल बाई 7, तो देखिए आपका 101 से लेके 994 के बीच में टोटल नंबर है 994, उसमें से 128 नंबर 7 से डिविजिबल है, तो जो नहीं डिविजिबल है वो सारे नंबर्स जो बच गई वो सभी डिविजिबल नहीं है। ये 994 नहीं, 999 तक टोटल नंबर हो 999 1000 तक। अब देखिए जो डिविजिबल नहीं हुई वो 999 में से इसमें से घटा दीजिए, यानी अगर मान लीजिए हमको सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें कौन सा, कि नॉट डिविजिबल बाई सेकंड क्वेश्चन जो है नॉट डिविजिबल बाई 7, तो टोटल में से क्या कर लो, टोटल माइनस डिविजिबल बाई 7 कर दो ना, डिविजिबल बाई 7 यही आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 999 में से अगर आपने 128 घटा दिया तो ये हो गया 771, यही आपका आंसर हो गया, जो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होंगी।
बात समझ में आया? ये सवाल बहुत ही कॉमन पूछा जाता है। इसे और पूछा जाएगा कि डिविजिबल बाय 2 बताइए, डिविजिबल बाय 3 बताइए, डिविजिबल बाय 6 बताइए, डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ बताइए, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3 बोथ बताइए। सारे सवाल मैं लिखूंगा और सारे सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। जैसे जैसे मान लो मैं सिंपली ऐसे बोल देता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया इसके ऊपर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिया मैंने, देखिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड, चाहे मैं ऐसे लिखता हूँ कि नंबर्स, फाइंड नंबर्स, सवाल मैं कंप्लीट लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। देखिए क्या क्या सवाल है कि फाइंड नंबर्स बिटवीन, फाइंड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000, विच आर पहला सवाल डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। दूसरा सवाल डिविजिबल बाई थ्री, डिविजिबल बाई थ्री। तीसरा सवाल डिविजिबल बाय टू एंड थ्री बोथ। फिर चौथा सवाल डिविजिबल बाय टू बट नॉट थ्री, जो 2 से डिविजिबल हो लेकिन 3 से ना हो। या पांचवा सवाल डिविजिबल बाय थ्री बट नॉट टू। इस तरह के सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे पहला सवाल का। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम लोग किस सवाल का, पहला सवाल का। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला है कि 1000 से लेके 1000, 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर चाहिए। तो ये शुरुआत करेगा 101, 102, 103, 104, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, आपका आखिरी नंबर आएगा 999। अब इसमें आपको डिविजिबल बाय टू चाहिए तो सबसे पहली नंबर ढूंढ लीजिए और सबसे आखिरी नंबर आप ढूंढ लीजिए। डिविजिबल बाय टू के लिए पहली नंबर है 102, फिर अगली नंबर आएगी 104, यानी कॉमन डिफरेंस हो गया 2, और आखिरी नंबर आएगी 998। तो आपका सीधे सीधे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूला यूज कर रहा हूँ। फार्मूला होता है एल माइनस ए बाई डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या वाला है, तो आप पढ़े होंगे कि जो इसकी वैल्यू आएगी उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर हम लोग लेंगे। अगर वैल्यू इंटीजर रही तो वही का वही हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ गया कहीं पे, तो इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.6 आ गया, तो जस्ट एकदम बिल्कुल जो इंटीजर वैल्यू है यानी 5.6 का इंटीजर होगा 5, तो 5 ले लिया जाएगा। ये तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखने का। और क्यों लिखा गया है, क्योंकि ज़्यादा इसमें अपने को सोचना नहीं होता है, सिर्फ इसीलिए इस तरह से की बात लिखी जाती है। अगर मैं 999 भी ले लेता तो भी हमारा आंसर वही आता, इसीलिए ये बात लिखी गई है। तो ये फाइनली हो गया, एल के जगह पे सबको दिख रहा है 998 माइनस 102 अपॉन डी की वैल्यू वही जिससे डिविजिबल हो जाए प्लस वन। अब देखो 998 में से 102 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 800 और कितना, 896, यानी 896। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 998 में से 102 घटाएंगे तो देखो 8 में से 2 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा, फिर 9 में से 1 चला जाएगा 8 अपॉन 2 प्लस 1। क्या आंसर हो गया बच्चे यहाँ से, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। ये डिवाइड करेंगे तो 4 4 8 प्लस 1 आंसर हो गया, 4 4 8 प्लस 1 फाइनली आंसर हो गया 4 4 9। इतनी वो नंबर से जो 2 से डिविजिबल है। दूसरा पूछा है, सेकंड पूछा हुआ है डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल अगर ढूंढना है, डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिविजिबल ढूंढना है तो सबसे पहली नंबर देखिए 101, 102, 103, 104, 105, इसमें से ऐसी पहली नंबर ढूंढिए और 999।
जो सबसे पहले 3 से डिविजिबल होता है, तो सबसे पहला आपका 102 ही है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो यानी आपका जो सीरीज तैयार हो गई सेक्वेंस सीरीज के लिए, वो सीरीज तैयार हो गई 102, फिर 3 जोड़ दीजिए 105, फिर 3 जोड़ दीजिए 108, और आखिरी नंबर इसके लिए भी आएगी 999, ये 3 से डिविजिबल है क्लियरली। तो एन का फार्मूला क्या हो गया, एल माइनस ए अपॉन डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन। यहाँ पे एल आपका ये आखिरी टर्म एल होता है, पहला टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाता है जिससे डिविजिबल हो जाता है। अब यहाँ पे हो गया 999 माइनस 102 अपॉन 3 प्लस 1, क्या वैल्यू आ गई, 999 में से 102 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 897 अपॉन 3 प्लस 1। डिवाइड करके देखिए बच्चे लोग क्या आया, एन की वैल्यू आ गई 98 में चला जाएगा ये 2 बार, फिर एक 2 और 9 हो जाएगा तो 7 बार चला जाए, 9 बार चला जाएगा, फिर 9 बार चला जाएगा, फिर प्लस 1, टोटल मिलके आंसर हो गया ये 300। एन की वैल्यू आपकी आ गई बेटा कितना, 300। अब देखिए तीसरा सवाल यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 2 और 3 बोथ। तो देखिए मैं एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखिए देखिए एक तो किसी से डिविजिबल नहीं है, कट हो गया, दो दो से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, कट हो गया, 3 3 से है, 3 से है पर 2 से नहीं है तो ये भी कट हो गया, 4 2 से है लेकिन 3 से नहीं है तो ये भी कट हो गया, 5 किसी से नहीं है, 6 2 और 3 दोनों से हुआ, पहली नंबर मिल गई जो 2 और 3 दोनों से हो गया। फिर ऐसे ही 7 1 से किसी से नहीं है, 8 1 से है 1 से नहीं है, 9 1 से है 1 से नहीं है, 10 1 से है 1 से नहीं है, 11 किसी से नहीं है लेकिन 12 दोनों से है, यानी पहली नंबर डिविजिबल बाई, तीसरा सवाल डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3 के लिए आपका आया नंबर पहला 6, फिर आया 12, फिर आया इसके बाद आएगा 18, ऐसे ही नंबर्स आएंगे ठीक है। लेकिन ये तो 100, ये तो 1 से शुरू हुआ ना, अपने को तो 101 से आगे चाहिए, तो बस इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं लिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए ही मैं ये बात आपको एग्जाम्पल दिया हूँ सामने। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऐसा कहे कि दोनों नंबर से डिविजिबल हो, जब भी इस तरह की बात करे कि आपको दोनों नंबर से डिविजिबल बताना है, तो दिस इज सेम एज डिविजिबल बाई, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डिविजिबल बाई एलसीएम ऑफ 2, 3, और 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो ये दिस इज सेम एज हो जाएगा क्या, डिविजिबल बाई 6। अगर यही 3 और 4 का पूछता तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, यानी 12 से डिविजिबल निकाल लेते हैं। तो पहली नंबर देखो 101, 101 को आप देखो 2 से डिवाइड करो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 102, 2 और 3 दोनों यानी 6 से डिविजिबल हो गया, तो पहली नंबर मिल गई। तो सबसे लक की बात है, इसको हटा देते हैं, सबसे पहला नंबर मिल गया 102, फिर अगला 6 जोड़ दो 108, फिर 6 जोड़ दो 114, ऐसे ही सबसे आखिरी वाले नंबर की तरफ बढ़ो। तो देखो सबसे आखिरी वाला नंबर जो होगा, अगर मैं बात करूं कि दोनों से डिविजिबल हो, तो आप सीधे सीधे 999 में 6 से भाग दे दीजिए, और जो एलसीएम होगा उससे एक उस जो पर रिमाइंडर बचेगा वही आपको इसमें से घटा देना है। मैं एक बार दूंगा 6 होगा, 3 बार चला गया, फिर यहाँ पे 9 हुआ, फिर 6 बार चला गया, 3 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 6 बार चला गया, फिर आपका 3 बच गया, तो एलसीएम 3 बच गया, तो 3 इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 996। अरे बात समझ में, 3 घटा दिया 996, ये दोनों 6 से भी चला गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स एन बराबर हो जाएगा एल माइनस ए अपॉन डी और ये प्लस 1, एल की वैल्यू है 996 माइनस ए की वैल्यू है 102 अपॉन डी की वैल्यू है 6, फिर यहाँ पे हो गया प्लस 1, क्या आंसर हुआ बच्चे लोग इसका का फाइनली आंसर क्या हो गया, तो एन बराबर हो गया आपका 996 में से अगर 102 घटाएंगे तो
तो ये हो जाएगा 894, यानी 894/6 प्लस 1 डिवाइड करिए, एक बार जाएगा, 2 और 9 तो 4 बार जाएगा, और आपका फिर हो गया 5 और 4 9 बार चला गया, प्लस 1 आपका आंसर हो गया 150। अब जो है ये तो डिविजिबल बाय 2 और 3 दोनों हो गया, एन की वैल्यू हो गई, ऐसी नंबर्स 150 है जो 2 और 3 से, मतलब ये ऐसी नंबर है, ऐसी इतनी नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ है, दोनों से डिविजिबल है। आगे बढ़े चौथे नंबर के सवाल पे बात करें, आपका फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा था कि डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3, जैसे कि मान लो इसके लिए हो जाएगा 2, 4 लेकिन 6 नहीं चाहिए, तो इसका लिए क्या आंसर होगा, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 3, तो क्या आंसर हो जाएगा, तरीका हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 माइनस डिविजिबल बाय, जो दोनों से डिविजिबल है उसको माइनस कर दो ना आप, तो डिविजिबल बाय 6, यानी 2 से डिविजिबल कितनी नंबर्स थी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आया हुआ है 2 से डिविजिबल थी, पहला ही सवाल का था, यहाँ पे 2 से डिविजिबल आई थी 449, ठीक है, तो 449 में से 6 से डिविजिबल आई है आपका 150, यानी आंसर हो गया 449 माइनस 150, घटा लीजिए इसको तो ये हो गया 9 और ये हो गया 3 में से 1 चला जाएगा 2, 299 आपका आंसर हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब पांचवा सवाल कह रहा है डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 2, तो क्या हो जाएगा इसका तरीका कि भैया क्या हो जाएगा आंसर लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 माइनस डिविजिबल बाय 6, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 6 है, तो डिविजिबल बाय 6, यानी आंसर कितना था, 3 से डिविजिबल नंबर थी 300, देखो यहाँ कहीं निकाले हुए थे हम लोग, 3 से डिविजिबल नंबर थी 300 और यह दोनों 6 से डिविजिबल थी 150, घटा दिया आंसर हो गया 150, बोलो बात समझ में आया, इस तरह के सवाल बनते रहते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर, जब दोनों से कहेगा दोनों का एलसीएम एक से हो एक से ना हो तो एक से जितने नंबर से उसको माइनस कर देंगे उनके एलसीएम से, ये तरीका आपका होता है डिविजिबिलिटी के सवाल को करने का, तो ये कहलाता है क्वेश्चंस ऑन डिविजिबिलिटी, बात समझ में आ रही है। स्टिल हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, डीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल अपना है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।